हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर 4 ऑफ द चैप्टर सॉल्यूशन इन केमिस्ट्री। आई एम पंकज कपाड़िया, बीटेक आईआईटी दिल्ली, डायरेक्टर आईआईटी तपस्या पटना। नाउ इन दिस चैप्टर वी हैव सो फार डिस्कस्ड व्हाट इज द सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, वांडोर्फ फैक्टर। Thereafter, in the previous lecture, we discussed in detail the vapor pressure concept and relative lowering of vapor pressure. In the last lecture, we discussed the definition of boiling point also. And according to the definition, the boiling point says that the temperature at which the vapor pressure of a liquid becomes equal to the atmospheric pressure, or you can say external pressure, that temperature is called the boiling point. Now we will move on to the next colligative property, that is elevation in boiling point. It is represented as del TB, which is change in boiling point. And you can categorically see that when a non-volatile solute is added to a volatile liquid, the boiling point increases. अगर किसी भी सॉल्यूशन में, किसी भी सॉल्वेंट में यदि हम एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। तो ये तो हो गई फैक्ट की बात कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैंने कहा कि जब भी किसी सॉल्यूशन में, जब भी किसी सॉल्वेंट में आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो पहला क्वेश्चन मन में यह आता है कि बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ता है। तो सबसे पहले हम इस पर फोकस करेंगे, व्हाई, क्यों बढ़ता है। तो आपको पता है कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि प्योर वाटर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे जो वेपर प्रेशर होगा वो एक एटमॉस्फेयर होता है, राइट, तभी वो बॉइलिंग पॉइंट है। नाउ जैसे ही हम इस वाटर में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं, अब वो वाटर नहीं बचता है, वो क्या बन जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के डालने से वेपर प्रेशर घटता है। तो अब प्योर वाटर का वेपर प्रेशर 100 डिग्री पे था एक एटमॉस्फेयर, अगर हम एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे तो सॉल्यूशन का सेम टेम्परेचर 100 डिग्री पे वेपर प्रेशर जो होगा वो एक एटमॉस्फेयर से घट जाएगा, यानी कि एक एटमॉस्फेयर से कम हो जाएगा। यानी कि अब हम कह सकते हैं कि उस एक्वस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एक एटमॉस्फेयर नहीं है, उससे कम है एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जाते हैं वापस डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन है कि जिस टेम्परेचर पे सॉल्यूशन का या लिक्विड का वेपर प्रेशर एक एटमॉस्फेयर हो जाए वो है बॉइलिंग पॉइंट। ये एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर, यहां पर एक्सटर्नल प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है तो हम एक एटमॉस्फेयर मान के चल रहे। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि 100 डिग्री पे तो वेपर प्रेशर एक एटमॉस्फेयर से कम हो गया। तो अगर 100 डिग्री पे वेपर प्रेशर एक एटमॉस्फेयर से कम हो गया तो हम ये कह सकते हैं कि अब 100 डिग्री उसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट होने के लिए वेपर प्रेशर को एक एटमॉस्फेयर होना पड़े। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वेपर प्रेशर जो है सॉल्यूशन का वो एक एटमॉस्फेयर से कम है, और हमें बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए वेपर प्रेशर को एक एटमॉस्फेयर करना पड़ेगा। यानी कि एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड अगर मैं कहता हूं, अगर ये टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड और वेपर प्रेशर जो है वो एक एटमॉस्फेयर से कम है, तो इसको वापस एक एटमॉस्फेयर लाने के लिए, वेपर प्रेशर बढ़ाने के लिए हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि टेम्परेचर के साथ वेपर प्रेशर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो वेपर प्रेशर बढ़ता है, टेम्परेचर घटता है तो वेपर प्रेशर घटता है। तो अगर 100 डिग्री पे, 100 डिग्री टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर जो है वो एक एटमॉस्फेयर से कम है, तो इस वेपर प्रेशर को बढ़ाकर एक एटमॉस्फेयर करने के लिए हमें टेम्परेचर को 100 से ऊपर करना पड़ेगा। यानी कि अब अगर हम चाहते हैं कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एक एटमॉस्फेयर हो जाए तो हमें टेम्परेचर को 100 से ज्यादा करना पड़ेगा, एंड देयरफॉर बॉइलिंग पॉइंट जो नया आएगा वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा आ जाएगा। यही वजह है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, ये फैक्ट है, क्यों बढ़ता है हमने पढ़ लिया। अब सवाल उठता है कितना बढ़ेगा। तो कॉन्सेप्ट कहता है कि द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। बॉइलिंग पॉइंट में जो भी बढ़ोतरी हुई है वो मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन के प्रोपोर्शनल होता है।
तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम डेल टीपी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मोलालिटी को हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप ये कह सकते हैं कि ये जो एलिवेशन होगा ये वास्तव में बॉइलिंग पॉइंट फाइनल माइनस बॉइलिंग पॉइंट इनिशियल हो जाए। तो अगर आप इसको देखें कि डेल टीपी इज प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, इस प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी में ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक कांस्टेंट की जरूरत पड़ेगी। ये कांस्टेंट, इसको हम KB से डिनोट कर रहे हैं, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। इसको, इसका नाम है इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इसका साइंटिफिक नेम है इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। कॉमन लैंग्वेज में, आम बोलचाल की भाषा में हम लोग इसको मोलल एलिवेशन कांस्टेंट भी कह देते हैं। तो नाउ वी हैव एन इक्वेशन जहां पर डेल टीबी वाज प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी में ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमें कांस्टेंट लगाना पड़ा, और चूंकि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है इसलिए हमें वांट ऑफ फैक्टर को नजरअंदाज नहीं करना होगा। वांट ऑफ फैक्टर आ जाएगा, और वांट ऑफ फैक्टर क्यों आएगा, क्योंकि फिर वही बात, जैसे मान लीजिए कि हमने सॉल्यूशन में डाला तो 2 मोल NaCl, लेकिन वो NaCl रहा नहीं, वो Na प्लस और Cl माइनस हो गया, तो नंबर ऑफ एंटिटीज बढ़ जाएंगे उस हिसाब से, या नंबर ऑफ एंटिटीज कभी कभी घट भी सकते हैं अगर डाइमराइजेशन वगैरह होता है तो उस केस में नंबर ऑफ एंटिटीज को टेक केयर करने के लिए यहां वांट ऑफ फैक्टर आता है। तो वी हैव एन इक्वेशन डेल टीबी इज इक्वल टू केबी, दिस इज मोलर एलिवेशन कॉन्स्टेंट इंटू मोलिटी इंटू वांट ऑफ फैक्टर। नाउ जैसा कि मैंने कहा कि इसका नाम है इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट या कह लीजिए मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, तो यूजुअली ये एक गिवन लिक्विड के लिए, एक गिवन सॉल्वेंट के लिए कांस्टेंट होता है। नाउ ये किस पे डिपेंड करता है, तो मैं आपको फिर कहता हूं 95% ऑफ द टाइम्स आपको केबी की वैल्यू गिवन होगी, आपको केबी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिमेनिंग 5% ऑफ टाइम्स के लिए क्या कर सकते हैं, तो केबी निकालने का ये फॉर्मूला है, केबी इज इक्वल टू आर टीबी स्क्वायर अपॉन 1000 इनटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये उस सॉल्वेंट का लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। आर क्या है, गैस कांस्टेंट। ये जो टीबी स्क्वायर है इसमें टीबी क्या है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। जैसे अगर पानी है तो टीबी की वैल्यू हो जाएगी 373 के लिए पानी की, अगर सॉल्वेंट कोई और होगा तो उसके हिसाब से जो भी उसका बॉइलिंग पॉइंट होता होगा उसके हिसाब से। जैसे मान लीजिए इथेनॉल दारू है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट अगर लेट अस अज्यूम कि 70 डिग्री होता है, तो 70 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल कम आउट टू बी 343 केल्विन। तो यहां टीबी की वैल्यू 343 हम यूज कर लेंगे। नेक्स्ट क्या है, 1000 इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पर ग्राम, यानी कि 1 ग्राम सॉल्वेंट को इवेपोरेट करने के लिए जितना हीट देना पड़ेगा ये है वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। एक खास बात और, अगर आप लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की वैल्यू लेंगे जूल पर ग्राम में, तो आर की वैल्यू भी आप जूल में लेंगे। अगर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आप कैलोरी में लेंगे तो आर भी आप कैलोरी में लेंगे। इसी बात को हम एक दूसरे तरीके से कह सकते हैं। यहां देखिए 1000 वाला टर्म मैंने हटा दिया है। 1000 वाला टर्म क्यों हटाया है, क्योंकि यहां पर ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पर ग्राम था, अब यहां जो मैं एलवी यूज कर रहा हूं वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पर केजी है। तो अगर पर ग्राम अगर एक्स था तो उसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पर केजी आ जाएगा, इसलिए वो 1000 का टर्म गायब हो गया। आपको ये बात और समझने की जरूरत है कि अगर 1 ग्राम सॉल्वेंट को इवेपोरेट करने के लिए एलवी यानी कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के बराबर हीट चाहिए होता है, तो अगर सॉल्वेंट का मोलर मास एम नॉट है तो हम कह सकते हैं कि m नॉट ग्राम सॉल्वेंट को इवेपोरेट होने के लिए लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पर ग्राम इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट के बराबर हीट चाहिए होगा। और m नॉट ग्राम सॉल्वेंट का मतलब हुआ 1 मोल सॉल्वेंट, और 1 मोल सॉल्वेंट को इवेपोरेट करने के लिए जितना एनर्जी चाहिए, जितना हीट चाहिए, उसी को हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। आई रिपीट, 1 मोल सॉल्वेंट को इवेपोरेट करने के लिए जितना हीट चाहिए हम उसी को कहते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो अगर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पर ग्राम में हम मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिल जाएगा एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो अब यहां से एक फायदा है, इस एक्सप्रेशन में जो एलवी था उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, जो ऊपर चला जाएगा। तो नाउ वी हैव अ न्यू फॉर्मूला फॉर केबी।
RTB square upon 1000 into enthalpy of vaporization into molar mass of solvent. Now, एक बार किसी भी लिक्विड का किसी गैस में ट्रांसफॉर्म होना एट बॉइलिंग पॉइंट, कोई लिक्विड अगर किसी गैस में ट्रांसफॉर्म हो रही है, अपने गैस में ट्रांसफॉर्म हो रहा है एट बॉइलिंग पॉइंट, तो ये एक इक्विलिब्रियम प्रोसेस है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट पर लिक्विड और वेपर फेज आपस में इक्विलिब्रियम में रहते हैं. तो उस केस में इक्विलिब्रियम प्रोसेस के लिए डेल्टा जी जीरो हो जाएगा, और आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े होंगे डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. तो वहां से आप लिख सकते हैं कि डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट इंटू डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन, ये जीरो हो जाएगा. यहां से डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन जो है वो टीबी इंटू एसवी डेल्टा एसवी आ जाएगा. तो इस डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन की जगह आप इस टर्म को भी यूज कर सकते हैं. तो आपका जो फॉर्मूला है वो ट्रांसफॉर्म होके इन टर्म्स ऑफ डेल्टा एस ऑफ वेपराइजेशन कुछ ऐसा आ जाएगा. एक टीबी वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा और डेल्टा एच की जगह हमने कुछ नहीं किया है इस एक्सप्रेशन में, डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन की जगह पर टीबी इंटू डेल्टा एस ऑफ वेपराइजेशन रख दिया है. तो आई रिपीट वंस अगेन, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के डालने से अगर हम सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है. बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ता है मैंने एक्सप्लेन किया, क्योंकि वेपर प्रेशर घटता है, और वेपर प्रेशर घटने के कारण अब सेम वेपर प्रेशर को अटेन करने के लिए हमें हायर टेम्परेचर लेना पड़ेगा, इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है. और बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ता है तो वो जो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट है, जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी है. अगर हम इसको इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करें तो डेल टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू मोलालिटी इंटू आई. आई इसलिए आया क्योंकि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है. और खास बात, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, मैं फिर रिपीट करता हूं कि 95% ऑफ द टाइम्स आपको केबी की वैल्यू गिवन होगी, गिवन वैल्यू होगी, दी हुई वैल्यू होगी, आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. लेकिन 5% ही सही, यदि आपको केबी की वैल्यू गिवन ना हो तो आप केबी इस फॉर्मूले से और इसी के तहत इनमें से किसी भी फॉर्मूले से डिराइव कर सकते. तो ये था आपका कॉन्सेप्ट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. नेक्स्ट टॉपिक पे जब हम मूव करना चाहेंगे वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. लेकिन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ाने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि ये फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है. और मुझे पूरा यकीन है कि 95% लोगों को फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है इसी में क्लैरिटी नहीं होती. हम लोग पढ़ने के लिए पढ़ लेते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट घटता है, बट फ्रीजिंग पॉइंट क्यों घटता है अगर हम ये समझना चाहते हैं तो समझने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी होता है कि फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है. तो फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन, सबसे पहले हम डेफिनेशन पे जाएंगे. तो फ्रीजिंग पॉइंट का जनरल जो हमारी समझ है वो ये कहती है कि जिस टेम्परेचर पे लिक्विड फेज और सॉलिड फेज इक्विलिब्रियम में रहे उसको हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज, इक्विलिब्रियम में रहे सही बात है, बट किस तरह का इक्विलिब्रियम, क्या कहना चाहता है. जैसे बॉइलिंग पॉइंट के लिए भी कॉन्सेप्ट था कि लिक्विड फेज और गैस फेज इक्विलिब्रियम में रहे, इक्विलिब्रियम में तो रहे, बट कॉन्सेप्ट क्या था कि लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए. उसी प्रकार फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन कहता है कि द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉलिड फेज इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन या लिक्विड. यानी कि एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर सॉल्वेंट के सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर उस लिक्विड या सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए उसे हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि पानी का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 degree centigrade. इसका मतलब क्या हुआ कि 0 degree centigrade पे जो भी एक्वस सॉल्यूशन है, चाहे मतलब बेसिकली प्योर पानी अगर है तो पानी का वेपर प्रेशर आइस के वेपर प्रेशर के बराबर हो. किसी भी एक्वस सॉल्यूशन का अगर हमें फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है तो हमें वो टेम्परेचर निकालना होगा जिस टेम्परेचर पे उस एक्वस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आइस के वेपर प्रेशर के बराबर हो. क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट होता है पानी और पानी का सॉलिड फेज होता है आइस.
तो आइस का वेपर प्रेशर जब किसी एक्वस सॉल्यूशन और अगर प्योर वाटर है तो प्योर वाटर के बराबर हो जाए, उस केस में वही टेम्परेचर जो है उस सॉल्यूशन का या पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। जैसे मैं कहूं कि 0 डिग्री अगर मैं कहता हूं कि प्योर पानी का फ्रीजिंग पॉइंट है, इसका मतलब यह है कि 0 डिग्री पे प्योर वाटर का वेपर प्रेशर आइस के वेपर प्रेशर के बराबर होता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट अगर हम नहीं समझेंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन क्यों आता है, कैसे आता है, ये हम नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे सॉल्वेंट इन सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर लिक्विड के वेपर प्रेशर के बराबर हो उसे कहते हैं फ्रीजिंग। नाउ वी विल डिस्कस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट में कमी, जिसको हम सिंबल से प्रेजेंट कर रहे हैं डेल्टी एफ। तो सबसे पहला सवाल यह है कि फ्रीजिंग पॉइंट में कमी कैसे आती है, क्यों आती है। तो द कॉन्सेप्ट सेज कि व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू अ वोलेटाइल लिक्विड द फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेस। मतलब जब किसी वोलेटाइल लिक्विड में किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डालते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट घटता है। क्वेश्चन उठता है ये कि क्यों घटता है, तो यहां आते हैं व्हाई। जैसे मान लीजिए कि प्योर पानी, तो फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है। फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन है कि वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर पानी यानी कि सॉल्वेंट इन सॉलिड फेज यानी कि आइस का वेपर प्रेशर, अगर एक्वा सॉल्यूशन की बात करें तो वो लिक्विड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए उसे कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। अगर मैं इस डेफिनेशन के हिसाब से चलूं तो अगर मैं जानता हूं कि पानी का एग्जांपल के तौर पर पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का वेपर प्रेशर आइस के वेपर प्रेशर के बराबर होगा। पानी का वेपर प्रेशर आइस के वेपर प्रेशर के बराबर होगा, इसलिए 0 डिग्री पानी का फ्रीजिंग पॉइंट है। लेकिन जैसे ही आप इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो लिक्विड का तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, यानी कि अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 0 डिग्री पे जो आइस का वेपर प्रेशर हुआ करता था, क्योंकि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो आइस के वेपर प्रेशर में कोई चेंज नहीं आया है। तो प्रॉब्लम क्या है, जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, ये रहा पानी का वेपर प्रेशर और ये रहा आइस का वेपर प्रेशर। 0 डिग्री पे पानी का वेपर प्रेशर आइस का वेपर प्रेशर दोनों बराबर है। अब जैसे ही हमने इस पानी में सॉल्यूट डाला नॉन वोलेटाइल, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के डालने से इसका वेपर प्रेशर कम हो गया, यानी कि अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट इन सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के बराबर नहीं रहा, और फ्रीजिंग पॉइंट होने के लिए दोनों को बराबर होना चाहिए। तो हमारी जो सिचुएशन है वो ऐसी है कि पहले पानी का वेपर प्रेशर आइस के वेपर प्रेशर के बराबर था एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, अब जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आइस के वेपर प्रेशर से कम हो गया। तो फ्रीजिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमें इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा, और बराबर हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो टेम्परेचर बढ़ा के या तो टेम्परेचर घटा के। हम पहले बढ़ाने वाला केस लेते हैं। लेट अस अज्यूम फिलहाल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आइस के वेपर प्रेशर से कम है, हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं। तो यदि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर तो बढ़ेगा, आइस का वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, और आइस का वेपर प्रेशर पानी की तुलना में ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। जब ये ज्यादा तेजी से बढ़ेगा तो आप ऐसा समझिए, ये पहले से कम था, ये पहले से ज्यादा था, ये बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ाने से और ये ज्यादा बढ़ेगा, तो ये दोनों कभी बराबर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये पहले से कम है, ये पहले से ज्यादा है, और जो ज्यादा है वो ज्यादा बढ़ रहा है, तो वो कभी बराबर नहीं हो पाएगा। यानी कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस बट द वेपर प्रेशर ऑफ आइस इंक्रीजेस मोर रैपिडली, सो देयरफॉर इट दे कैन नॉट दे कैन नेवर बी इक्वल। एट द सेम टाइम यदि हम टेम्परेचर घटाते हैं तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर घटेगा, आइस का वेपर प्रेशर ज्यादा घटेगा, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। यानी कि अब अगर हम इन दोनों को बराबर करना चाहते हैं तो हमें टेम्परेचर बढ़ाने की जगह टेम्परेचर घटाने की जरूरत है, यानी कि अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर
आइस के वेपर प्रेशर के बराबर कब होगा? जब हम टेम्परेचर घटाएंगे। इसीलिए बराबर करने के लिए टेम्परेचर को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होना पड़ेगा। देयरफॉर फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा वो 0 डिग्री से कम हो जाएगा। ये ग्राफ मैंने उस समय एक्सप्लेन किया था आपको कि सॉलिड का वेपर प्रेशर टेम्परेचर के साथ ज्यादा स्टीपली चेंज होता है, बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ाने पर एज कंपेयर टू लिक्विड। और उसका रीजन क्या था कि एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन कम होता है, एंथैल्पी ऑफ सबलिमेशन ज्यादा होता है। तो वही लॉजिक हमने यूज किया। चूंकि 0 डिग्री पे आइस का वेपर, पानी का वेपर प्रेशर आइस के वेपर प्रेशर के बराबर था, अब सोल्यूट डालने के कारण, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने के कारण ये वेपर प्रेशर जो लिक्विड का था वो घट गया। और जब लिक्विड का वेपर प्रेशर घट गया तो अब ये दोनों बराबर नहीं रहे। हमें अगर बराबर करना है तो मेरे पास दो चॉइसेस हैं, या तो हम टेम्परेचर बढ़ाएं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लिक्विड का वेपर प्रेशर बढ़ेगा, आइस का वेपर प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा, तो ये कभी बराबर नहीं हो पाएंगे। एट द सेम टाइम अगर हम टेम्परेचर घटाते हैं तो लिक्विड का वेपर प्रेशर घटेगा, आइस का ज्यादा घटेगा, तो ये दोनों बराबर हो सकते हैं, हो जाएंगे। इसलिए बराबर करने के लिए हमें टेम्परेचर घटाना पड़ेगा, इसलिए फ्रीजिंग पॉइंट घटता है। आई होप इट इज क्लियर। और जब तक आपको फ्रीजिंग पॉइंट एक्चुअल में होता क्या है ये नहीं पता चलेगा, तो ये कारण आपको नहीं पता चल पाएगा कि फ्रीजिंग पॉइंट क्यों घटता है। तो आई होप नाउ इट इज क्लियर कि फ्रीजिंग पॉइंट क्यों घटता है। तो पहली बात तो ये थी कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के डालने से फ्रीजिंग पॉइंट घटता है, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि फ्रीजिंग पॉइंट क्यों घटता है। और अब हम बात करेंगे कितना घटेगा। तो बिल्कुल सिमिलर पैटर्न जैसे एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट का था, सेम लॉजिक है। डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। डेल टी एफ इज प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। ध्यान दीजिएगा, एलिवेशन जब ले रहे थे तो बॉइलिंग पॉइंट फाइनल माइनस बॉइलिंग पॉइंट इनिशियल था। जब हम डिप्रेशन लेंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट इनिशियल माइनस फ्रीजिंग पॉइंट फाइनल होगा, क्योंकि जब कमी कितने की आई ये पता करने के लिए इनिशियल वैल्यू में से फाइनल वैल्यू घटाना पड़ेगा, बढ़ा कितना ये पता करने के लिए फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू घटाना पड़ेगा। नाउ वी कैन हैव द सेम थिंग, प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी में ट्रांसफॉर्म करने के लिए कॉन्स्टेंट लगाना पड़ेगा, इसको हम के एफ से डिनोट कर रहे हैं। और चूंकि ये भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है इसलिए वांटा फैक्टर का रोल यहां भी रहेगा। इस कांस्टेंट का नाम है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, उस कांस्टेंट का नाम था इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इस कांस्टेंट का नाम है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, या इसको हम लोग जनरल भाषा में मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट भी कह देते हैं। सेम लॉजिक, 95% ऑफ द टाइम्स आपको केएफ की वैल्यू गिवन होगी, बट जस्ट इन केस नहीं गिवन होगा तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ये बिल्कुल सिमिलर फॉर्मूला है, फर्क यह है कि केबी की जगह केएफ हो गया है, बॉइलिंग पॉइंट की जगह फ्रीजिंग पॉइंट हो गया है, और ये नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट है। जैसे अगर पानी का एग्जांपल लें तो 0 डिग्री यानी कि 273 केल्विन, अगर कोई और लिक्विड होगा तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट अलग हो सकता है। और ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की जगह लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, पर ग्राम है। जैसे वहां हुआ था पर ग्राम को पर केजी में कन्वर्ट किया था तो 1000 का फैक्टर गायब हो गया था। और फिर वही लॉजिक कि 1 ग्राम सॉल्वेंट को फ्रीज करने में इतना हीट रिलीज होता है, तो इतने m0 ग्राम के लिए कितना होगा, उसी को हम कहेंगे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो सेम लॉजिक, जहां पर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन था वहां पर आ जाएगा एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। और उसी प्रकार सॉलिड का लिक्विड में ट्रांसफॉर्म होना एट फ्रीजिंग पॉइंट एक इक्विलिब्रियम प्रोसेस है, तो हम डेल्टा एच की जगह पे भी सेम लॉजिक से डेल्टा H की जगह TF into delta SF लिख देंगे, जहां delta HF क्या है enthalpy of fusion और delta SF क्या है change in entropy of fusion और TF क्या है freezing point। तो अगर हम delta HF की जगह इसको replace कर दें यहां पे तो TF TF cancel हो जाएगा, एक TF cancel हो जाएगा, एक TF बच जाएगा, expression आ जाएगा KF is equal to RTF upon 1000 into delta S of fusion into molar mass of solvent। Now I'll come to the same point। इन सारी चीजों की वैसे विशेष जरूरत नहीं है, बस एक चीज भी ध्यान रखिएगा तो आपका काम चल जाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया कि 95% ऑफ द टाइम्स आपको केएफ और केबी की वैल्यूज डायरेक्टली गिवन होती है। नाउ वी विल टेक सम क्वेश्चंस, जिसमें सबसे पहला सवाल है 13.44 ग्राम्स ऑफ क्यूप्रिक क्लोराइड UCl2 is dissolved in 1000 grams of water.
13.44 ग्राम क्यूपिक क्लोराइड को 1000 ग्राम पानी में डिजॉल्व कर दिया जाता है. इफ द केएफ फॉर वाटर इज 1.86, कैलकुलेट द चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट. ये आईआईटी 2005 में पूछा गया सवाल है और केबी ऑफ वाटर में गिवन है 0.52 केल्विन केजी पर मोल. नाउ आप एक चीज समझिए, यहां पे एक डेटा जो है वो फालतू दिया हुआ है, केएफ की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब हमें बॉइलिंग पॉइंट की बात करनी है उसमें केएफ निकालने की कोई केएफ की वैल्यू की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी. तो कभी कभी लोग इसलिए भी कंफ्यूज होते हैं कि वो केएफ का हम क्या करें. नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है, एन एक्वस सॉल्यूशन हैज अ वेपर प्रेशर ऑफ 684 मिलीमीटर ऑफ मरकरी एट 373 केल्विन. एक एक्वस सॉल्यूशन है जिसका वेपर प्रेशर 684 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है एट 373 केल्विन. तो पूछा है कैलकुलेट इट्स फ्रीजिंग पॉइंट, इसका फ्रीजिंग पॉइंट बताइए. केएफ दे दिया है वाटर का 1.86 केल्विन केजी पर मोल. एक थर्ड क्वेश्चन है कि एन एक्वस सॉल्यूशन हैज अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ -6 डिग्री सेंटीग्रेड. एक एक्वस सॉल्यूशन है जिसका के फ्रीजिंग पॉइंट -6 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो कैलकुलेट इट्स बॉइलिंग पॉइंट. तो आपको इसका बॉइलिंग पॉइंट बताना है. यहां पर केएफ की वैल्यू गिवन है 1.86 और वैसे पानी का केबी का वैल्यू होता है 0.52, लेकिन मैंने जानबूझ के केबी की वैल्यू यहां पर 0.62 ली है. एक विशेष वजह है उसकी मैं एक्सप्लेन करूंगा. मान लीजिएगा आपको केएफ और केबी ये गिवन है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे. पहला सवाल जैसा मैंने कहा ये आईआईटी 2005 में पूछा गया सवाल है. तो लेट अस टेक द फर्स्ट क्वेश्चन इटसेल्फ. सबसे पहले जो लोग मिस करते हैं, CuCl2 एक सॉल्ट है, वाटर में सोल्यूबल सॉल्ट है, तो सबसे पहले ये डिसोसिएट होगा. तो डिसोसिएट करा के हम सबसे पहले इसका वांटा फैक्टर निकाल लेंगे एंड द वांटा फैक्टर कम्स आउट टू बी 3, क्योंकि पहले एक मॉलिक्यूल था अब 3 हो. नेक्स्ट फॉर्मूला लगाएंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल टीबी इज इक्वल टू केबी इनटू मोलालिटी इनटू आई. मोलालिटी कैसे निकालते हैं, मास अपॉन मोलर मास करके हम मोल्स निकाल लेंगे और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी 1000 ग्राम को 1000 से डिवाइड कर देंगे. तो ये कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 0.156. डिग्री सेंटीग्रेड भी कह सकते हैं या केल्विन भी कह सकते हैं. क्यों, ध्यान दीजिए, डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री और केल्विन इक्वल नहीं होता है. लेकिन जहां तक चेंज इन टेम्परेचर की बात है तो जितने डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज आएगा उतने ही केल्विन का चेंज आएगा, क्योंकि लीनियर रिलेशन होता है. डिग्री सेंटीग्रेड में 273 ऐड करते हैं तो केल्विन आता है. तो इसमें जितना भी चेंज आएगा, अगर डिग्री सेंटीग्रेड में 5 जोड़ देंगे तो केल्विन में भी 5 जुड़ जाएगा. जैसे फॉर एग्जांपल 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है 273 केल्विन, अगर 0 में 5 जोड़ दे 5 डिग्री सेंटीग्रेड तो हो जाएगा 278 केल्विन. यानी कि जो डिफरेंस इन टेम्परेचर है वो डिग्री सेंटीग्रेड में करें या डिग्री केल्विन में या सिंपल केल्विन में कहें, दोनों सेम आएगा. तो जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो 0.156 डिग्री सेंटीग्रेड होगा या कह लीजिए 0.156 केल्विन होगा. अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट हम और डिस्कस करना चाहिए. आईआईटी 2005 में जब ये सवाल दिया गया था तो ऑप्शन में था 0.16, 0.156 नहीं था. तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करना चाहते हैं. क्या, कि यदि आपको ऑप्शंस दिया रहे वैल्यू तो 0.156 आई, देयर इज नो प्रॉब्लम. बट अगर आपको ऑप्शंस दिया रहे और 0.156 दिया रहे और बाकी कुछ रैंडम वैल्यूज दी रहे तो डेफिनेटली विदाउट अ डाउट आप 0.156 को आंसर कर देंगे. एक दूसरा केस, अगर आपको 0.156 नहीं गिवन है और 0.16 गिवन है तो ऑब्वियसली जब आपको 0.156 नहीं गिवन है तो नियरेस्ट 2 इंटीजर तक राउंड ऑफ करके आप 0.16 को आंसर कर देंगे. लेकिन बदकिस्मती से अगर मान लीजिए कि आपसे सवाल में ये दोनों ऑप्शन दे दिया जाए तो 0.156 भी ऑप्शन में है और 0.16 भी ऑप्शन में है तब तो डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि एक्चुअल वैल्यू 0.156 आई है आपको आंसर करना होगा 0.16, क्योंकि आईआईटी वहां पर आपसे एक अलग कॉन्सेप्ट चेक कर रहा है. सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात आती है, जो भी डेटा क्वेश्चन में अवेलेबल है वो डेसिमल के 2 डिजिट्स तक ही दिया हुआ है. तो आपको आंसर भी मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा वो डेसिमल के 2 डिजिट्स तक ही जाएंगे आप,
एंड इसलिए आपको आंसर 0.16 करना पड़ेगा। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं, आपको वेपर प्रेशर दिया है और फ्रिजिंग पॉइंट पूछा है, तो वेपर प्रेशर का फ्रिजिंग पॉइंट से क्या कनेक्शन? सच्चाई यह है कि वेपर प्रेशर का कनेक्शन है मोल फ्रैक्शन से, और मोल फ्रैक्शन का कनेक्शन है मोलालिटी से, और मोलालिटी का कनेक्शन है फ्रीजिंग पॉइंट से। तो सबसे पहले आप वेपर प्रेशर की डेटा से मोल फ्रैक्शन निकालेंगे सॉल्यूट का। 373 केल्विन है तो पी नॉट ऑफ वाटर हो जाएगा 760, यानी कि एक एटमॉस्फेयर। पीएस आपको गिवन है 684, तो पी नॉट माइनस पीएस अपॉन पी नॉट ये आ गया 0.1, ये आ गया आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। फिर आपको जो फॉर्मूला हम डिराइव करा चुके हैं, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू मोलालिटी अपॉन मोलालिटी प्लस 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, इस फॉर्मूले का यूज करके आप यहां से मोलालिटी कैलकुलेट करेंगे, और फिर आप लगाएंगे डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलालिटी इंटू आई। ध्यान दीजिए, चूंकि सॉल्यूट के विषय में कुछ नहीं कहा है तो हम सॉल्यूट का आई की वैल्यू क्या लेंगे, 1 ले लेंगे। दूसरी बात कि जो डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो आपको पता होना चाहिए कि इनिशियल फ्रीजिंग पॉइंट माइनस फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट होता है। इनिशियल फ्रीजिंग पॉइंट पानी का 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो 0 माइनस टीएफ, और यहां से आप मोलालिटी की जो वैल्यू निकालेंगे यहां पुट कर देंगे तो यहां से आपको टीएफ मिल जाएगा। ऑब्वियसली वो जो आंसर आएगा वो निगेटिव में होगा और डिग्री सेंटीग्रेड में। नाउ कमिंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में आपको इनफैक्ट अगर एक्वा सॉल्यूशन दिया है सिर्फ और फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है, आपको ना सॉल्यूट के विषय में कुछ बताया है ना आई के विषय में कुछ बताया है, तो यहां हम रेशियो लेके काम चलेंगे। एक ऑप्शन मेरे पास है कि फ्रीजिंग पॉइंट का डेटा है तो फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलालिटी इंटू आई। डेल टी एफ पता है, के एफ पता था, मोलालिटी इंटू आई की वैल्यू निकाल लें और उसको वैल्यू में पुट कर दें। या उससे ज्यादा आसान तरीका है कि अगर दोनों का रेशियो ले लें तो मोलालिटी इंटू आई अपने आप कैंसिल हो जाता है, तो जब कैंसिल हो जाता है तो सिंपल रेशियो लेके आपका काम चल जाता है। यहां से जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो 102 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 375 केल्विन आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? सबसे पहला सवाल, When two solutions at different concentrations are separated by a semi-permeable membrane, जिसको हम शॉर्टकट में SPM कह रहे हैं, तो सबसे पहला सवाल तो ये उठता है कि SPM होता क्या है, semi-permeable membrane होता क्या है? एक तरह का छन्नी मान लीजिए, एक तरह का छन्नी है, एक तरह का मेम्ब्रेन है जो सेलेक्टिव चीजों को, semi-permeable है यानी कि वो कुछ चीजों को पास होने देता है, कुछ चीजों को पास होने नहीं देता है। इन दिस केस सॉल्वेंट को पास होने देता है और किसी चीज को पास होने नहीं देता है। तो ये कहता है कि व्हेन टू सॉल्यूशंस एट डिफरेंट कंसंट्रेशंस आर सेपरेटेड बाय अ सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन, द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज फ्रॉम अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, और किसका कंसंट्रेशन? ऑब्वियसली सॉल्यूट का कंसंट्रेशन। तो जब दो सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन अलग अलग है, ये सॉल्यूशंस को हम एक सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट करते हैं, तो क्या होता है? मैंने यहां दो सॉल्यूशंस का एग्जांपल दिया है और एक का कंसंट्रेशन C1 है, दूसरे का कंसंट्रेशन C2 है, और मैंने मान लिया है कि लेट अस अज्यूम C1 इज ग्रेटर देन C2। तो उस केस में जिधर कंसंट्रेशन कम है उधर से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, जिधर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा है उस तरफ मूव करने लगता है। ये जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का लो कंसंट्रेशन वाले रीजन से हाई कंसंट्रेशन वाले रीजन की तरफ ट्रांसफर होने का जो प्रोसेस है, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। बात समझ में आई? जैसे मान लीजिए कि इधर का कंसंट्रेशन C1 है, इधर का कंसंट्रेशन C2 है, और दोनों को एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट किया गया है, दोनों के ऊपर एटमोस्फेरिक प्रेशर है, तो क्या होगा? चूंकि इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसका कंसंट्रेशन कम है, तो जिसका कंसंट्रेशन कम है सॉल्वेंट उस तरफ से दूसरे तरफ मूव करना शुरू कर देता है। इस प्रोसेस को, इस फेनोमेना को हम लोग कहते हैं ऑस्मोसिस। ऐसा देखिए क्यों, इधर कंसंट्रेशन ज्यादा है, इधर कंसंट्रेशन कम है, C1 है ये C2 है, तो अगर सॉल्वेंट इधर से उधर मूव करेगा तो इधर सॉल्वेंट घटेगा, सॉल्वेंट घटेगा तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा, इधर सॉल्वेंट बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन घटेगा, अल्टीमेटली दोनों इक्वल आ जाएगा। तो कंसंट्रेशन में डिफरेंस होने के कारण
ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मोशन होता है, और ये प्रोसेस ऑब्वियसली तब तक चलता रहेगा जब तक कि दोनों कंसंट्रेशन आपस में इक्वल ना हो जाए। नाउ एक इंपॉर्टेंट बात, हम चाहते हैं कि ऑस्मोसिस कभी बंद ना हो, तो अगर हम इस तरफ प्योर सॉल्वेंट ले ले, यानी कि हम एक तरह से C2 को जीरो कर दें, तब क्या होगा? तब क्या होगा? आप देख सकते हैं कि सॉल्वेंट इधर से उधर जाएगा, इसका कंसेंट्रेशन हमेशा जीरो रहेगा, और ये कभी जीरो नहीं होगा क्योंकि इसके पास कुछ सॉल्यूट है तो कुछ तो कंसेंट्रेशन होगा। इसका कंसेंट्रेशन टेंडिंग टू जीरो होने के लिए वॉल्यूम इनफाइनाइट होना पड़ेगा, यानी कि ये सॉल्वेंट का जाने का प्रक्रिया, सॉल्वेंट के जाने की प्रक्रिया रुकेगी ही नहीं, चलती रहेगी चलती रहेगी। तो ये होता है ऑस्मोसिस। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अगर मान लीजिए कि एक तरफ हमने प्योर सॉल्वेंट लिया है और एक तरफ हमने कुछ सॉल्यूट लिया है, सॉल्यूशन लिया है बेसिकली, एक तरफ सॉल्यूशन है एक तरफ प्योर सॉल्वेंट है, तो डेफिनेटली ये कंसेंट्रेशन ज्यादा है और इस तरह से सॉल्वेंट इधर उधर मूव करना जारी रखेगा। अब यदि हम इस कंटेनर के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर पी डैश अप्लाई करें, जो मैंने रेड से यहां पर मार्क कर रखा है, एक्स्ट्रा प्रेशर पी डैश अगर अप्लाई करें तो वो लिक्विड को आने से रोकेगा। आप नॉर्मली सोचिए, अगर आपके पास एक बॉटल भी है, अगर कोई लिक्विड इधर से आ रहा होता है, आप बॉटल को प्रेस कीजिएगा, प्रेशर अप्लाई कीजिएगा, तो क्या होगा? लिक्विड को आने से वो रोकेगा। ये बर्नौली थ्योरम में भी आप रिलेट कर सकते हैं कि प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम कांस्टेंट रहता है। तो अगर आप एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करेंगे इस सॉल्यूशन वाले कंटेनर पर, तो वो सॉल्वेंट को आने से रेजिस्ट करेगा। मैंने वही बात यहां लिखी है कि इफ वी एक्सर्ट एन एक्स्ट्रा प्रेशर, जिसको मैं पी डैश कह रहा हूं, ऑन द लेफ्ट कंपार्टमेंट, लेफ्ट कंपार्टमेंट यानी कि सॉल्यूशन वाला कंपार्टमेंट, ये तो प्योर सॉल्वेंट है, इफ वी एक्सर्ट एन एक्स्ट्रा प्रेशर पी डैश ऑन द लेफ्ट कंपार्टमेंट, इट रेजिस्ट्स ऑस्मोसिस, ये सॉल्वेंट को आने से रेजिस्ट करता है, रोकने की कोशिश करता है। थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो थोड़ा रोकेगा, थोड़ा और अप्लाई करेंगे तो थोड़ा और रोकेगा। फिर आगे मैं कहता हूं कि इफ वी कीप ऑन इंक्रीजिंग दिस प्रेशर, यदि हम इस एक्स्ट्रा प्रेशर को बढ़ाते जाएं, तो थोड़ा लगाए थोड़ा रुका फिर भी आ रहा है, थोड़ा और लगाए थोड़ा और रुका फिर भी थोड़ा थोड़ा आ रहा है, थोड़ा और लगा दें अगर, तो कोई ना कोई प्रेशर तो ऐसा होगा, जितना प्रेशर अप्लाई करने पर ये जो सॉल्वेंट का राइट टू लेफ्ट फ्लो है, यानी कि जो ऑस्मोसिस है, ये रुक जाए। इफ वी कीप ऑन इंक्रीजिंग दिस प्रेशर, अ सिचुएशन अराइजेस व्हेन ऑस्मोसिस स्टॉप्स। अगर हम उस पर प्रेशर बढ़ाते जाएंगे तो सॉल्वेंट का आना घटता जाएगा, और बढ़ाएंगे और घटेगा, और बढ़ाएंगे और घटेगा, कोई तो ऐसा प्रेशर होगा जब प्रेशर अप्लाई करने के बाद सॉल्वेंट का आना बंद हो जाए। जितने प्रेशर अप्लाई करने पर सॉल्वेंट का आना बंद हो जाता है, उसी प्रेशर को हम लोग कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। द प्रेशर विच प्रिवेंट्स ऑस्मोसिस, जो ऑस्मोसिस को रोक दे, इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग पाई से डिनोट करते हैं, इसका सिंबल पाई है, और इसको निकालने का फॉर्मूला होता है ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू CRT, जहां पर C क्या है, मोलर कंसेंट्रेशन है, मोलारिटी है, R इज ऑब्वियसली गैस कांस्टेंट, एंड T इज टेम्परेचर इन केल्विन। नाउ चूंकि ऑस्मोटिक प्रेशर भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसलिए वांटॉफ फैक्टर यहां भी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। द एक्चुअल फॉर्मूला फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर विल बी CRTI, जहां पर C क्या है, मोलर कंसेंट्रेशन है, आर क्या है, गैस कॉन्स्टेंट है, टी क्या है, टेम्परेचर है, और आई क्या है, वांटॉफ फैक्टर है। नेक्स्ट, हमने प्रेशर अप्लाई किया, कम हुआ, और अप्लाई किया, कम हुआ, और अप्लाई किया, रुक गया। अब यदि रुकने के बाद और प्रेशर अप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, तो सॉल्वेंट उल्टा, पता चला सॉल्यूशन की तरफ से सॉल्वेंट की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। वही बात मैंने यहां लिखी है कि इफ वी इंक्रीज द प्रेशर फर्दर, यानी कि ऑस्मोसिस रुकने के बाद भी अगर हम प्रेशर और बढ़ा दें, तो सॉल्वेंट जो है वो उल्टे डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा, यानी कि सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ नहीं, सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ। इस प्रोसेस को, इस फेनोमेना को हम लोग कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, RO, और ये प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, हम सबके घर में RO का पानी हम लोग पीना पसंद करते हैं,
ये रिवर्स ऑस्मोसिस नहीं बोल सकते। एक बात और, यदि दो सॉल्यूशंस है आपके पास ए और बी, यदि ए और बी दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो, ऐसे सॉल्यूशंस को हम लोग कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, यानी कि दो सॉल्यूशंस आइसोटोनिक कहलाएंगे यदि उन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है। ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होने का मतलब कि C1R T1I1 इज इक्वल टू C2R T2I2। नेक्स्ट, यदि मैं कहूं कि पाई ए यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए बी की तुलना में कम है, इज लेस देन पाई बी, देन तो अगर ए का कम है तो हम कहेंगे ए इज हाइपोटोनिक, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा उस सॉल्यूशन को कहेंगे कि वो दूसरे की तुलना में हाइपोटोनिक है। उल्टा, यदि ए का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा बी से तो हम कहेंगे ए जो है वो हाइपरटोनिक है एज कंपेयर टू बी, यानी कि सॉल्यूशन ए जो है वो बी की तुलना में हाइपरटोनिक है। नाउ वी विल टेक सम क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज, अ डेसी मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया इज आइसोटोनिक विथ 0.04 मोल पर लीटर ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन। यूरिया का एक डेसी मोलर सॉल्यूशन है जो 0.04 मोल पर लीटर सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन के साथ आइसोटोनिक है, तो आपको बताना है कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सोडियम सल्फेट। ये भी IIT में पूछा हुआ सवाल है। और एक दूसरा क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा, एन एक्वस सॉल्यूशन हैज एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 2.46 एटमॉस्फेयर्स एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, कैलकुलेट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। केबी की वैल्यू गिवन है 0.52 केल्विन केजी पर मोल। नाउ सबसे पहला सवाल, सोडियम सल्फेट का डिसोसिएशन करा दिया, अगर एक मोल मानते तो 1 अल्फा टू अल्फा टू अल्फा हो जाता है, या फिर एन मोल माना तो एन माइनस एक्स टू एक्स हो जाएगा, वन टॉप फैक्टर हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स फाइनली अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली, एक्स अपॉन एन को हम अल्फा कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो आई की वैल्यू आ जाएगी 1 + 2 अल्फा। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब चूंकि आइसोटोनिक है यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर का मतलब C1R T1I1 इज इक्वल टू C2R T2I2, R तो कॉमन ही है और टेम्परेचर के विषय में कुछ नहीं कहा तो कांस्टेंट दोनों के लिए सेम ही लेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन बच गया C1I1 इज इक्वल टू C2I2। यूरिया का सोल्यूशन का कंसेंट्रेशन हमें दिया हुआ डेसी मोलर, यानी कि इसकी मोलरिटी होगी 0.1 और यूरिया के लिए वन टा फैक्टर हो जाएगा 1। C2 यानी कि सोडियम सल्फेट का कंसेंट्रेशन हमें दिया हुआ है 0.04 और वन टॉप फैक्टर हमने अभी भी निकाला है 1 + 2 अल्फा, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 0.75, यानी कि 75% डिसोसिएट होगा सोडियम सल्फेट। सेकंड क्वेश्चन, ऑस्मोटिक प्रेशर आपको गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, तो पाई बराबर CRT, चूंकि सोल्यूट के विषय में कुछ नहीं कहा तो हम आई की वैल्यू ले लेंगे 1, तो पाई की वैल्यू आपको दी हुई है 2.46 एटमॉस्फेयर CRTI, आई की वैल्यू 1, तो यहां से कंसेंट्रेशन आ जाएगा 0.1 मोल पर लीटर। अब आपसे पूछा है बॉइलिंग पॉइंट और आपको पता होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट में हमें मोलालिटी की जरूरत पड़ती है और ऑस्मोटिक प्रेशर से हमें मोलालिटी मिला है। अब सच्चाई यह है कि अगर हमें मोलालिटी से मोलालिटी निकालना हो या मोलालिटी से मोलालिटी निकालना हो तो हमें डेंसिटी की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन चूंकि यहां हमें डेंसिटी नहीं दिया तो जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था कि अगर डेंसिटी गिवन ना हो और कभी ऐसी आवश्यकता पड़े कि मोलारिटी से मोलालिटी या मोलालिटी से मोलारिटी की तरफ जाने की, तो डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशंस के लिए हम लोग अज्यूम कर सकते हैं कि मोलारिटी और मोलालिटी इक्वल है, हालांकि यह अजम्पशन है और अगर हमें डेंसिटी गिवन होता तो हम इस अजम्पशन का यूज नहीं करते और हम डेंसिटी का वाला फॉर्मूला लगा के मोलारिटी से पहले मोलालिटी निकालते, बट चूंकि हमें डेंसिटी गिवन नहीं है तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हमें यह अजम्पशन लगाना पड़ेगा कि जो मोलारिटी है और मोलालिटी है दोनों इक्वल है, यानी कि जो मोलालिटी की वैल्यू है वो 0.1 आ जाएगी। और फिर वही कॉन्सेप्ट डेल टी बी यानी कि बॉइलिंग पॉइंट फाइनल माइनस बॉइलिंग पॉइंट इनिशियल 100 डिग्री पानी के लिए इज इक्वल टू केबी इंटू मोलालिटी इंटू आई, अगेन आई की वैल्यू कुछ नहीं पता तो 1 है, वहां से बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा 100.052 डिग्री सेंटीग्रेड। आई एम प्रेटी श्योर कि इस बेसिस पे आप लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के सारे सवाल अटेम्प्ट कर सकते हैं।
अभी आपसे इस चैप्टर में एक ही चीज डिस्कस करना बाकी रह गया है, दैट इज आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो वो हम डेफिनेटली नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आपको हम इसके साथ असाइनमेंट भी दे देंगे और अपलोड कर देंगे इस यूट्यूब पे ही। आप उन क्वेश्चंस को अटेंड कर लीजिएगा और हम कोशिश करेंगे कि उनमें से कुछ अच्छे सवाल जो हैं वो नेक्स्ट फॉर ऑनकमिंग लेक्चर्स में डिस्कस करें। थैंक यू सो मच।